नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 20। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों की। बांदा उत्तर प्रदेश से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को जिला अधिकारी के द्वारा दिया ज्ञापन। इटली, जापान, कोरिया, ईरान इत्यादि में इस वायरस से लोग प्रभावित हो रहे हैं। चीन के नागरिकों व चीन में निर्मित सामानों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई वैक्सीन, दवाइयां बनाई व खोजी नहीं जा सकी। चीन की अर्थव्यवस्था चपेट में है। इन हालातों के बीच भारत में भी कोरोना वायरस जैसे लक्षणों के चलते 45 मरीज चिकित्सक की देखरेख में रखे गए हैं। इसलिए श्रीमान जी से ज्ञापन के माध्यम से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी देशवासियों की सुरक्षा व देश में इस भयावह महामारी को फैलने से पहले ही रोक देने हेतु भारत सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन करती है। जो कदम चीन ने इस महामारी के फैलने के बाद उठाए हैं, वो कदम इस महामारी के फैलने के पहले ही भारत में उठाए जाएं। बांदा से बालकृष्ण पांडे की रिपोर्ट। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से जिलाधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को ज्ञापन हम सौंप रहे हैं। इसे कोरोना वायरस से संबंधित, जैसे चीन में कोरोना वायरस आया, वहाँ पर 80,000 लोग भर्ती हैं, 24,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके। तो जो हमारी मांग है सरकार से कि जो मांग जिस प्रकार से मतलब चीन में कोरोना वायरस आया वहाँ पर, अब वहाँ पर मतलब रोकथाम के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, तो चीन जैसे हालात ना हो तो इससे पहले प्रतिबंध मतलब भारत सरकार उस पर लगाए। और जो हमारी कुछ मांगे हैं हमने ज्ञापन में अंकित कर दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हम वहां तक ये अपना मैटर पहुंचा रहे हैं जिससे इस पर रोकथाम लगाई जा सके और यहां पर साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए जिससे मतलब ये वायरस फैल रहा है। क्या नाम है आपका?